फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में देर रात बिजनेसमैन की कार सवार बदमाशों ने की पिटाई, इलाज के दौरान हुई बिजनेसमैन की मौत। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बीती देर रात एक बिजनेसमैन को रॉन्ग साइड कार चला रहे बदमाशों को टोकने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। रॉन्ग साइड कार चला रहे कार सवार बदमाशों को इतना गुस्सा आया कि कार में बैठे 5 बदमाशों ने बिजनेसमैन की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसके चलते इलाज के दौरान बिजनेसमैन की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि बीच बचाव करा रहे बिजनेसमैन के साले को इस झगड़े में चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने घटना के चश्मदीद मृतक के साले के बयान पर पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये वही मृतक बिजनेसमैन शिव कुमार है, जो बीती रात संजय कॉलोनी इलाके में अपनी वर्कशॉप को बंद कर अपने साले दीपांशु के साथ घर लौट रहे थे कि जैसे ही ये पर्वतीय कॉलोनी इलाके में पहुंचे, सामने से तेज रफ्तार कार आ रही थी, जिसे देखकर उन्होंने कार सवारों को कार धीरे और संभाल कर चलाने के लिए टोक दिया। बस इसी टोकने के चलते बदमाश तैश में आ गए और कार में बैठे 5 बदमाशों ने शिव कुमार और उनके साले पर हमला कर दिया। इस हमले में शिव कुमार के सिर में चोट आई, जिसे इलाज के लिए पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे फर्स्ट एड देकर घर भेज दिया। लेकिन सुबह होते होते 4 बजे शिव कुमार की फिर तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद शिव कुमार को आनन फानन में फरीदाबाद के एक निजी और एक बड़े अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन अस्पताल पहुँचने से पहले शिव कुमार की मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने अस्पताल पहुँचने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की मॉर्चरी में रखवा दिया है। सर, एक बिजनेसमैन है शिव कुमार, उनकी हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये 10:30 बजे ये अपने वर्कशॉप से चले, ये शिवदयाल और इसका साला दीपांशु शिव कुमार दीपांशु और शिव कुमार दोनों चले। तो 10:30 बजे के करीब ठेके के सामने कोई गाड़ी आ रही थी, लोग गलत तरीके से चलाते हुए आ रहा था, इनके आपस में रोक कर कहा सुनी होगी, उसी बात के ऊपर इनकी लड़ाई झगड़ा हो गया और शिव कुमार को धक्का लग गया, धक्का मारा उन्हें या फेंक दिया, तो उसका सिर लग गया सड़क पर, रोड पर। और फिर वो ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है सेक्टर 23 में, उसमें नंबर ठीक करवाई और अपने घर चले गए। फिर ये 4 बजे उसको फिर तकलीफ हुई है, तो ये लेके एस्कॉट हॉस्पिटल गए, जहाँ डेड घोषित कर दिया। इसके ऊपर FIR दर्ज कर दिया, रक्षण बाला ने टीम बना के और आरोपियों के बारे में धरपकड़ जारी की। तो जो मृतक शिव कुमार है, उनका साला भी साथ था, चोट लगी थी, क्या इन्होंने उस समय पुलिस को सूचना नहीं दी थी? नहीं, कोई सूचना नहीं। अच्छा, अभी क्या कार्रवाई करी पुलिस? अभी FIR दर्ज करके पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और टीम में गई हुई है। कोई आरोपी की पहचान हो पाई है? नहीं, अभी, सामने अभी, आया हो? अभी मेरे सामने सीसीटीवी कैमरे सामने कोई नहीं आया अभी। कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी कुछ उम्मीद? ये तो वक्त बताएगा कब तक गिरफ्तारी होगी, हमारी तो कोशिश है किसी गर करने की। जी, थैंक यू। क्या जी आपका? मेरा अनिल कुमार। अनिल जी, मृतक कौन है जो अभी? वो मेरे मामा के लड़के हैं। अच्छा, क्या हुआ था रात को? जिस तरीके से ये चश्मीद गवाह उनके साथ थे। अच्छा, और ये उनके अपने वर्कशॉप से घर की तरफ जा रहे थे, तो रॉन्ग साइड से एक व्हाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी जिसका नंबर HR 51 CG 0819 था, और वो गलत तरीके से गाड़ी चला रहे थे। तो शिव कुमार ने उनसे कहा कि भाई गाड़ी थोड़ा ठीक से चलाओ, तो उन्होंने इसी पे उनके साथ मारपीट की, उनको धक्का भी दिया और साथ में वहाँ पत्थर पड़े थे, पत्थर उठा के मारे, लाठी डंडों से भी उनको मारा, जिससे काफी गंभीर चोटें आई उनके। और प्राथमिक उपचार के लिए ये दीपांशु जी उनको हॉस्पिटल में ले गए, तो डॉक्टर ने उनको देखा, 10:15 बजे का टाइम था, तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसी खास चोट दिख नहीं रही, तो उन्होंने पट्टी कर दी, लेकिन काफी खून उनका बह चुका था और उन्हें घर भेज दिया। 4 बजे उनको काफी खून की उल्टियां हुई। अच्छा, और फिर ये दीपांशु जी उन्हें हॉस्पिटल ले गए और जहाँ एस्कॉट हॉस्पिटल में उनको डेड मृत घोषित कर दिया गया। तो जिस तरह से रात घटना हुई है, आपके जो भाई लगते हैं उनके साथ मारपीट हुई सरेआम चलते रहा चलते, कहीं लगता है फरीदाबाद में पुलिस का कहीं बदमाशों खौफ है? नहीं, खौफ तो है ही, अब इस तरीके से अगर वारदातें हो रही है 10:10 बजे, तो लोग अगर मोस्टली लोग अपनी जॉब से या अपनी वर्कशॉप से घर जाते ही है, तो इस तरीके की अगर सरेआम घटनाएं होंगी तो ये तो बड़ा चिंता का विषय है। क्या मांग करते हैं आप? मांग ये करते हैं कि सख्त कार्रवाई हो उनके खिलाफ, क्योंकि मृतक के छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्हीं पे आश्रित थे, उनको देखने वाला कोई है नहीं, माँ बाप भी बुजुर्ग हैं जो चलने की स्थिति में नहीं है, अपना बिजनेस था उनका। जी, थैंक यू। नाम क्या आपका? दीपांशु। दीपांशु जी, क्या हुआ है आपके साथ? जो युवक थे कौन थे और क्या बात हुई है? हम और जिया जी वर्कशॉप से आ रहे थे घर की तरफ। अच्छा। हाँ, और सामने से एक फोर व्हीलर लेकर आ रहा था बंदा, उसमें 5 लोग थे। वो वहाँ जिया जी ने बोला गाड़ी सही से चला लिया कर भाई, वो गाली गलौज करने लगा वहाँ बदतमीजी से। क्या तेज स्पीड में आ रहे थे? हाँ, तेज स्पीड में आ रहा था, इसीलिए बोला था रॉन्ग साइड से। हाँ, रॉन्ग साइड भी था। अच्छा। हाँ, और फिर वहाँ पे
उन्होंने रोका तो वो गाली गलौज बदतमीजी से करने के लगे, ईंट पत्थर भी मारे उनके कुछ, और तेज से रफ्तार से आया, उन्हें धक्का दिया स्पीड से, सिर लग गया उनके। गाड़ी से धक्का दिया? नहीं, उतरने के उतरने उतरने के बाद स्पीड में धक्का दिया उनको। कितने लोग थे वहाँ गाड़ी में? 5 लोग थे। आप किस पे थे? हम बाइक पे थे। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? पत्थर भी मारा, मेरे यहाँ चोट भी लगी है। आप और आपके जीजा कहाँ से आ रहे थे? हम वर्कशॉप से आ रहे थे। कहाँ है वर्कशॉप आपकी? संजय कॉलोनी। संजय कॉलोनी से बंद करके आप थोड़ी पीछे है। हाँ अच्छा, तो घटना है कहाँ की? ये घटना डिस्पोजल ठेके के पास पर्वते कॉलोनी के। हाँ अच्छा, फिर क्या हुआ जब गिर गए थे वो? गिर गए थे, उसके बाद मैंने उठाया उनको और हॉस्पिटल ले गए। सिर में काफी चोट है वहाँ। धक्का ही दिया था, मारपीट भी की थी? मारपीट भी किया, ईंट पत्थर भी उठाए, लाठी डंडे, वहाँ अंडे की दुकान है। अच्छा, उसके यहाँ से डंडे भी उठाए उन्होंने, लाठी डंडे से पिटाई भी की। हाँ। आपको भी कोई चोट आई? हाँ, यहाँ चोट आई, यहाँ चोट आई कोहनी में। आपको भी आई? हाँ। फिर आप वहाँ उनको अस्पताल ले गए? अस्पताल ले गए, उनको पट्टी वट्टी करवाई, फिर उन्होंने भेज दिया घर, जगह सुबह दिखाना है, यहाँ अभी तो कोई व्यवस्था है नहीं। फिर हम 4 बजे टाइम यहाँ लेके आए। कहाँ? तबियत बिगड़ी जब रात में दिमाग। हाँ, हाँ, अच्छा, टैक्स कोर्ट में लेके आए, दोबारा तबियत बिगड़ गई घर जाकर। हाँ, हाँ, फिर वहाँ ले गए आप? हाँ, वहाँ ले गए, वहाँ उन्होंने डेट घोषित कर। जब तक आप पहुँचे अस्पताल, मौत हो चुकी थी। क्या नंबर है गाड़ी का? नाम क्या है गाड़ी का? नंबर गाड़ी का नंबर है HR 51 CG 0819। पहचानते किसी को आप? हाँ, पहचान लेंगे, कोई आएगा। आस पास के ये वो लोग? मैं ये मतलब मैं वैसे नहीं पहचानता हूँ, मतलब सामने आ जाएंगे तो पहचान लूंगा, वैसे नहीं जानता हूँ उनको। क्या नाम है जीजा जी का? शिव कुमार। उम्र 35-36। अभी पुलिस के पास गए, क्या कार्रवाई करी पुलिस? संतुष्ट है कार्रवाई से आप लोग? हाँ, संतुष्ट है कार्रवाई से। अभी कोई पकड़ में आया है? अभी कोई पकड़ में नहीं आया, सिर्फ FIR लिखा के आया। परिवार में कौन कौन है उनके? परिवार में भाई है उनके छोटे। मैरिड थे? हाँ, मैरिड। 4 बच्चे हैं उनके। जो मारने वाले थे खा पी रखी थी क्या? शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होली गेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन, और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।